जैसे आपकी आज्ञा मुख्य अतिथि जी को कहीं पहुँचना है और घनश्याम जी आप अपनी व्यवस्था चालू करा दें, कृपया चाय जरूर पहुँचावे, ठंडक लग रही है। इलियास भाई हमारे बीच में, जिनका सदैव हमारे साथ इस देव प्यार रहा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि शहीद के प्रति अपने श्रद्धा समर्पित करें। सबसे पहले तो मैं क्षमा इस बात की मांगूंगा कि समय कम दे पा रहा हूं, वो अमर उजाला का वो कार्यक्रम है पर्यावरण का, वहां भी अध्यक्षता है इसलिए वहां बार बार फोन आ रहा है। आज हिंदू कल्याणी बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय सम्मानित मंच और हमारे सामने बैठे अति सम्मानित साथियों, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, देश की आज़ादी में हम सब यहाँ उपस्थित साथियों, अगर हम कल्पना करें कि अंग्रेजों ने कैसी बर्बरता से और कैसे हमारे पूर्वजों के साथ किया होगा तो हम सोच भी नहीं सकते। फिल्मों में देखा होगा, टेलीविज़न पे देखा होगा, वास्तविकता अगर उसका 10% भी हम सब समझ जाएं कि कितनी यातनाएं झेली होंगी, कितनी परेशानी उठाई होंगी, तो निश्चित जिस तरह हम लोग अपने शहीदों को याद करते हैं ये बहुत कम। और ये भी ज़रूरी है कि अगर शहीदों को याद नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें, चाहे हिमी कल्याणी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, जितने लोग ये तो जिनके नाम आए हैं, लोग खो जाएंगे। ये तो हम सब की जिम्मेदारी नहीं, हम सब का कर्तव्य है और दायित्व तो है कि जब तक हम इस धरती पर जिंदा रहें अपने शहीदों को किसी न किसी बहाने जितनी वृहद रूप से बड़े रूप से उनको याद करेंगे, तभी हमारे आने वाली जो आगे नस्लें हैं वो याद रखेंगी। नहीं, जो आज ज़माने के अंदर जो बिगाड़ आ रहा है, व्हाट्सएप और ये वो ये तमाम चीज़ें, सोशल मीडिया तमाम चीज़ें आ गई हैं, आदमी मनोरंजन में पड़ा हुआ है, उन शहीदों को भूल गया है जिसकी वजह से आज हम हिंदुस्तान में ऐश कर रहे हैं। यह सत्य है कि सारी दुनिया, मैं पूरी दुनिया के लिए घूमा तो नहीं हूँ, लेकिन अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ, जितना खुशहाल और जितने खुशी के साथ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रह रहा है, पूरी दुनिया में कहीं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कहीं हो, हम दूर से तो समझ रहे हैं कि अमेरिका बहुत खुशहाल है, लेकिन उसकी अंदर की आत्मा, उसके अंदर का हाल अगर जा करके वहाँ लोग देखेंगे तो वो निश्चित कहीं ना कहीं किसी लाइन से परेशान है। और उसकी वजह यही है कि जो हमारे पूर्वजों ने इस माटी के लिए, इस देश के लिए कुर्बानी दी और शहादत दी, जो आज ये तो एक इंसानी फितरत है कि कितना भी खुशहाल रहे तो अपने को खुशी उसको नहीं महसूस होती है, लेकिन जब कहीं दूसरी जगह से अगर तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तब लगेगा कि हम और हमारा हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले इंसान कितने अच्छे हैं, तब पता चलता है। और मैं फिर एक बात ये कोट करता हूँ और कहता हूँ कि ये उन्हीं लोगों की कुर्बानी है जो इस देश के लिए जी करके गए, उन देश उन अंग्रेजों से लड़ करके गए, उनका जो ब्लड है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उसी की वजह से आज हम सुकून और इत्मीनान और आसानी से इस देश के अंदर रह रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ और आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि वहाँ बार बार अशोक शर्मा जी का फोन आ रहा है, मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और अभी भाई भाई ने एक बात कही थी कि ये चबूतरे के लिए यहाँ, मैं समझता हूँ इतने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ चबूतरा नगर पालिका के लिए बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी सोच है, यहाँ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इतने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग कह देंगे तो मैं घोषणा नहीं उसको समझ लीजिए बन गया, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ उसकी कोई यहाँ टीम सीट की और चबूतरे की
कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। साल में एक दिन कार्यक्रम होता है और बहुत कार्यक्रम अगर होने लगेंगे तो जो थोड़ा से पार्क सुसज्जित और अच्छा दिख रहा है तो ये पार्क रोड भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। फिर आप सबका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं हेमु कल्याणी जी को इतनी जो कम उम्र में जो उन्होंने शहादत दी है उनको मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रार्थना माननीय शत्रुघ्न सोनकर जी से अनुरोध होगी, कृपया दो मिनट के लिए।